हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि भी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी यूज़ किया जाता है जब उसके अंदर कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं। खास कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? सबसे पहला तो वह सेल क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। जैसे सेल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, इट्स अवर ड्राई सेल। क्या है हमारा ये ड्राई सेल। इसको अगर आप पढ़ के देखोगे तो इसके ऊपर वोल्ट मिलेगी आपको 1.5 वोल्ट। तो इस तरह के सेल जो केवल एक बार यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे आपने इसको यूज़ किया 4 या 5 महीने चलाया, उसके बाद ये डेड हो जाएगा। मतलब ये कौन से टाइप का सेल है? प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं? द टाइप ऑफ सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। जिनको हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते वो हमारा प्राइमरी सेल है। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है, आपके घर पर जो इन्वर्टर है उसकी जो बैटरी है, या फिर आपके जो ऑटो रिक्शा या बसेस गाड़ियाँ जो भी हैं उसके अंदर जो बैटरीज लगी हुई हैं वो हमारी क्या है? सेकेंडरी सेल है। मतलब द टाइप ऑफ सेल इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अक्कर मैनी टाइम्स। बार बार जो है उसको आप रिचार्ज कर सकते हो, विच कैन बी रीयूज बाई रिचार्जिंग अगेन एंड अगेन, उसको क्या बोलते हैं आप? सेकेंडरी सेल। और थर्ड हमारा फ्यूल सेल। नाम से ही पता चला फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन, जिसमें हम फ्यूल एनर्जी को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह के सेल यूज होते हैं भी जो स्पेस क्राफ्ट हम मून वगैरह के ऊपर लॉन्च करते हैं, या फिर जो आपके मंगल ग्रह जैसे ले लीजिए, वहाँ पर आप कुछ भेजते हो तो वहाँ पर जो है फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है शरीर की डेफिनेशन। भाई एग्जाम में ना कभी पूछी गई है और आई थिंक ना कभी पूछी जाएगी। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसका जो टाइप है। जैसे प्राइमरी सेल दो टाइप का होता है, या दो प्राइमरी सेल हमने पढ़ने हैं, एक ड्राई सेल पढ़ना है और इसके बाद एक मरकरी सेल पढ़ना है। ये दोनों हम डिटेल में पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन मोस्टली आता है। फिर सेकेंडरी सेल का टाइप है फ्यूल, जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है, जो घर पर हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं उसमें जो बैटरी यूज़ होती है। और फिर लास्ट वाला हम पढ़ेंगे जो है हमारा फ्यूल सेल। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ खास बातें बता रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी लाइट, हल्का होना चाहिए जैसे हल्का है, कॉम्पैक्ट, छोटे से छोटा होना चाहिए, एंड शुड बी हैंडल ईजिली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सारी वायरिंग हो। अगर वायरिंग ज़्यादा होगी भाई तो उसको ऐसे जो आम आदमी उसको यूज़ करेगा उसको यूज़ करने में क्या होगी, उसको बहुत सारी दिक्कत होगी। पहले जो है ये इसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी, जो वोल्टेज का डिक्रीज है वो स्लो होना चाहिए। वोल्टेज का डिक्रीज स्लो का क्या मतलब है? जैसे आज आपने इस सेल को आपके टीवी के रिमोट के अंदर डाला, तो सपोज करो आज आपने सेल डाला और एक हफ्ते के बाद इसकी सारी वोल्टेज खत्म होगी, तो क्या आप दोबारा इस सेल को खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। मतलब जो डिक्रीज इन वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए? संभाल होनी चाहिए। तीसरा, जो डिक्रीज इन वोल्टेज हो रही है वो समाल टाइम के लिए नेग्लिजिबल होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? सपोज कीजिए आप एक दुकानदार हो और आप जो है 100 सेल ऐसे ऐसे खरीद लाए और उन 100 सेल को बिकने में लगभग 6 महीने लगे, लेकिन जो लास्ट के 10 सेल बचे हुए थे ना, 6 महीने के बाद कस्टमर जैसे लेकर के गया उसने इसको डाला तो ये चला ही नहीं। मतलब वो 10 सेल आपके वेस्ट चले गए, उस 10 सेल की पूंजी आपकी खत्म हो गई। क्योंकि कस्टमर तो क्या मांगेगा? वर्किंग सेल मांगेगा। ऐसा तो होगा नहीं एक दिन में खत्म होगा और वो आपको पैसे दे देगा। तो ये जो डिक्रीज इन वोल्टेज है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो क्या होनी चाहिए? नेगलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राई सेल की जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूज होता है ड्राई सेल टॉर्चेज वगैरह में, टॉयज, फ्लैश लाइटर्स, कैलकुलेटर। फ्लैश लाइटर आप समझते होंगे ना, कई बार आपने हाईवे के ऊपर ढाबों के ऊपर वो एक जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो ऐसे करते रहते कि इधर आ जाओ इधर आ जाओ, उसमें लाइट जगमगाती रहती हैं, वो हमारे फ्लैश लाइटर्स होते हैं। कैलकुलेटर वगैरह में, टेप रिकॉर्डर्स में, और ये हमें 1.5 वोल्ट की कंटिन्यूस सप्लाई देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप यहाँ से समझ लीजिए, जो ये बार वाला कंटेनर है ये जिंक कंटेनर है, एनोड का काम करेगा। सेंटर में आपको स्टील कैप दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ग्रेफाइट रोड होती है जो कैथोड का काम करेगी। ग्रेफाइट रोड के टच में MnO2 और कार्बन होता है, जबकि जिंक कंटेनर के टच में NH4Cl एंड ZnCl होता है, ZnCl2 होता है। बस यही मेन बात है इसके अंदर। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में जिंक एज एनोड एंड ग्रेफाइट रोड प्लेस्ड एट सेंटर एक्ट एज ए कैथोड एंड सो पैक्ड दैट जिंक कंटेनर इज इन टच विद पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। देखो यहाँ डायग्राम हमारा बना हुआ है, ये हमारा जिंक कंटेनर बार वाला हो गया एज एनोड और इसके टच में हमारा क्या NH4Cl एंड
ZnCl2। फिर उसके बाद भाई ग्रेफाइट रोड इज सराउंडेड बाई मिक्सर ऑफ MnO2 एंड कार्बन। ये हमारी ग्रेफाइट रोड है सेंटर में, इसके टच में कौन है हमारा MnO2 और कार्बन, एंड फिटेड विद ए स्टील कैप, और इसके ऊपर क्या लगा दी गई है स्टील कैप, और फिर सारे को क्या कर दिया गया है पैक कर दिया गया है, क्लोजली पैक कर दिया गया ताकि कोई एयर ना अंदर जा सके ना बाहर आ सके। इसमें जो रिएक्शन होगी, अब सीधी सी बात है, जिंक एनोड का काम करती है, आपको पता है एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक क्या करेगी दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगी Zn2 पॉजिटिव, तो क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन था भाई, अब कैथोड पे कौन था टच में MnO2, ये रिएक्ट करेगा, यहाँ से जो NH4Cl से आयन आएगा NH4 पॉजिटिव उसके साथ, और जो दो इलेक्ट्रॉन एनोड से लूज हुए थे एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा Mn2O3+2NH3+ में हमारा वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो हमारा अमोनिया रिलीज हुआ है, यहाँ पर जो हमारा अमोनिया रिलीज हुआ है ये इस सेल को कोरोड कर देता है, मतलब अगर आप सेल को रख दोगे थोड़े टाइम के लिए, वैसे भी यूज नहीं करोगे, तो थोड़े से दिन में इसके अंदर से पानी की तरह से जो है पदार्थ निकलने लग जाता है, तो वो वाटर तो है ही साथ में, लेकिन वो किसकी वजह से कोरोजन किसकी वजह से हुआ है उसमें अमोनिया की वजह से हुआ है। इस सेल का दूसरा नाम होता हमारा लेकलेंचे सेल, क्या होता है लेकलेंचे सेल भी इसको बोला जाता है। नोट है इस सेल का भाई, इस सेल को आप ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो अमोनिया निकलता है वो सेल को क्या कर देता है कोरोड कर देता है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। तो ये था हमारा ड्राई सेल। अब जिसको भी ड्राई सेल आ गया समझ में, ये लगा लीजिए उसको मरकरी सेल ऑलरेडी समझ में आ गया। बस एक ही बात याद रखनी है, वहाँ पर हमारा यहाँ पे क्या था NH4Cl और ZnCl2, यहाँ पर ये एम्प्टी है दोनों साइड, केवल जो बीच में हमारा वहाँ पे KOH और HGO एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया, बाकी वही जिंक कंटेनर एनोड का काम करेगा, वही सेंटर में हमारा कार्बन को रखा गया है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस इलेक्ट्रोलाइट का फ़र्क आया है। इस वजह से इसकी वर्किंग में क्या फ़र्क आ जाता है भाई, इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। कारण क्या है लाइफ बढ़ने का, क्योंकि यहाँ पर जो ये पोरस पेपर यूज़ किया है ना, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट को जिंक कंटेनर के टच में नहीं आने देगा, जिस वजह से जिंक कंटेनर क्या नहीं होगा कोरोड नहीं होगा। तो सबसे पहले मरकरी सेल को यूज़ किया जाता है लो करंट डिवाइसेज, लो करंट डिवाइसेज जैसे आप मेरे हाथ में घड़ी देख रहे होगे, इसके अंदर जो सेल है वो मरकरी सेल है, या फिर जो आपने देखोगे भी जो कान वाली मशीन आती है उसके अंदर भी जो सेल डलता है वो हमारा मरकरी सेल होता है। कंस्ट्रक्शन हमने पहले ही पढ़ ली थी भी जिंक एनोड का काम करेगा और ग्रेफाइट रोड को सेंटर पे रखा गया जो कैथोड का काम करेगा। जो चेंज आया मैंने बता दिया, मिक्सचर ऑफ KOH और HGO को जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, और एक लाइनिंग होती है पोरस पेपर की टू प्रोटेक्ट जिंक फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी भी, जिंक 2OH नेगेटिव के साथ क्या बनाएगा Zn2OH+ दो इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा। कैथोड पे HgO H2O के साथ HgO बनाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई, दो OH से दो OH कैंसिल हो जाएगा तो बच गया क्या, यहाँ पर जिंक प्लस HgO+H2O क्या बनाया ZnOH2 और प्लस HgO क्या बन गया HgO। HgO तो नहीं बनेगा भाई, HG बनेगा, यहाँ मिस्टेक है, तो यहाँ पर HgO हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, एनोड पे क्या होगा, जिंक प्लस 2OH नेगेटिव क्या बनाया ZnOH2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं कैथोड पे HgO और H2O उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा Hg+ 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव है, तो बचा क्या जिंक इस साइड और HgO और HgO+ H2O, ये दो इलेक्ट्रॉन तो हमारे कैंसिल हो ही गए, यहाँ पे क्या बचा हुआ ZnOH2 और यहाँ पर क्या बचा हुआ हमारा HG। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है इस सेल को रोबन मैलोरी सेल। इस सेल की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है, मैंने पहले ही बता दिया कारण है उसका भाई, यहाँ पर जो है पोरस पेपर की लाइनिंग हमने यूज़ की है, ये जिंक कंटेनर के टच में नहीं आने देती इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेल आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। या इसको बोला जाता है भाई लेड एसिड अकुमुलेटर। पेपर में एग्जामिनर मोस्टली आपसे पूछता है लेड स्टोरेज बैटरी की बजाय लेड एसिड अकुमुलेटर, तो बच्चों को याद नहीं रहता कि उसने क्या पूछ लिया है, तो आपको स्पेशल याद रखना है लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड अकुमुलेटर। सबसे पहले तो इसको भी यूज़ किसके अंदर किया जाता है, जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं
ऑटोमोबाइल्स का मतलब क्या, अभी जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, लेड स्टोरेज बैटरी का यूज़ किया जाता है। दूसरा इस उसके बाद भी इसकी जो वोल्ट होती है लगभग 12 वोल्ट होती है, जिसके अंदर 6 सेल होते हैं और एक सेल की जो वोल्टेज है 2 वोल्ट होती है। अब एक सेल की वोल्ट 2 वोल्ट, 6 सेल की वोल्ट 6 दुनी 12, तो टोटल जो इसकी वोल्टेज है वो कितनी होती है हमारी, 12 वोल्ट होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आसान है, इसमें जो लेड है PB वो किसका काम करेगी, एनोड का, और जो PbO2 होगी वो किसका काम करेगी, कैथोड का। मतलब जब आप डायग्राम बनाओगे, लेड स्टोरेज बैटरी आप सबके घर पे रखी हुई है भाई, अगर आप काउंट करके देखोगे इसमें आपको 6 सेल मिलेंगे। कितने 6 सेल मिलेंगे, 6 सेल, तो 3, 4, 5 और 6। इन 6 सेल में से भाई आपको 3 एक साइड, जैसे ये वाले एक छोड़ एक ऐसे कनेक्ट कर लेंगे हम, और 3 एक साइड। अब वो आपकी चॉइस है कि आप एनोड किसको मानोगे, कैथोड किसको मानोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया मैं इस तरफ वाले को एनोड मान लेता हूँ, PB एज एनोड, और ये हमारा PbO2 हो गया एज कैथोड। ऊपर मैंने बताया हर एक सेल की जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। जैसे हम एनोड को थोड़ा सा अलग दिखा लेते हैं इस प्रकार से, ताकि डायग्राम जब आप पेपर में बनाओ तो एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि हाँ बच्चे को पता है एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो कौन सा होता है और वो कितने परसेंट होता है या उसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो आपको पता है अभी इसके अंदर वैसे भी सभी जानते लगभग H2SO4 यूज़ होता है, और ये जो H2SO4 होता है 38% बाई मास होता है, और इसकी जो डेंसिटी होती है लगभग 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मतलब जब बैटरी फुल्ली चार्ज होगी उस टाइम पर उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जैसे जैसे भाई हम सेल को एक्सटर्नल सर्किट में यूज़ करते हैं तो केमिकल एनर्जी जो है रिएक्शन होती है, सप्लाई हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आती है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिक्रीज होता है और साथ में डेंसिटी भी डिक्रीज होती है। तो जब डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाती है तब हमें सेल को दोबारा से क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बता दिया भाई, इट कंसिस्ट ऑफ लेड एज ए एनोड एंड लेड ऑक्साइड एज ए कैथोड। फिर मैंने क्या बता दिया, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन दिस सेल इज सल्फ्यूरिक एसिड विच इज 38% बाई मास एंड हैव डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर सबसे ज़रूरी है आपकी रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या भाई, जब हम सेल को एक्सटर्नल सर्किट में यूज कर रहे हैं तो एनोड पे कौन था भाई, कौन था एनोड पे, PB रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और क्या बनाएगा, PbSO4, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और वैसे भी हमने पहले भी पढ़ चुका है भाई एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए वो कौन एक्सेप्ट करेगा भाई, कैथोड पे एक्सेप्ट करेगा। कहाँ पे एक्सेप्ट होंगे, कैथोड पे। अब कैथोड पे कौन था भाई, हमारा PbO2, ये भी अगेन रिएक्ट करेगा SO42 नेगेटिव के साथ, और प्लस में हम H पॉजिटिव और ये जो जो इलेक्ट्रॉन थे इसको ले लेते हैं। अब बात आती है सर, ये SO4 आपने यहाँ अकेला लिया, यहाँ H पॉजिटिव नहीं लिया, जबकि यहाँ पे SO4 के साथ H भी ले रहे हो। कारण क्या है भाई, जो H2SO4 है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2H पॉजिटिव प्लस SO42 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, PbSO4। अब एक बात को ध्यान रखना है, एनोड पे भी क्या बना था लास्ट में, प्रोडक्ट PbSO4, और कैथोड पे भी क्या बना हमारा, PbSO4, और प्लस में क्या निकल जाएंगे, हमारा वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। आई थिंक अब ये बैलेंस हो गई होगी, नहीं हुई है तो कर लेंगे, ऑक्सीजन 2 है यहाँ, 1 है, इसको 2 से गुणा कर लूँगा। हाइड्रोजन हमारी 4 है, यहाँ 1 है, 4 से गुणा कर दूँगा, और सल्फेट हमारा 1 था, 1 हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल कर देंगे, और कुछ कटता है तो देखिए, नहीं कटता तो ऐड कर दीजिए। PB यहाँ से
प्लस PbO2 प्लस एक सल्फेट ये था, एक सल्फेट ये था, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको दो से गुणा कर दूँ तो यहाँ चार आ जाएगा और यहाँ दो आ जाएगा। देखिए ये कुछ इसी तरह से बन गया ना हमारा, तो मैं इसकी जगह पे और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2H2SO4 और क्या बनाएगा Pb प्लस, अच्छा भाई और कुछ, हाँ PbSO4 PbSO4 दो बार हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर 2PbSO4 और प्लस में क्या निकल गया 2H2। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी भाई किसके दौरान, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, और ये हमारी क्या लिख दी हमने भाई ओवरऑल रिएक्शन, क्या लिख दी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद भाई इसमें दिखाया गया है कि जो करंट आउटपुट है वो बढ़ जाए, इसलिए सारे सेल्स को किस में जोड़ा गया है, सीरीज में, तभी हमें वोल्ट कितनी मिल रही है 12 वोल्ट। लेकिन फिर से वही आ गया, जब सेल को एक्सटर्नल सर्किट में यूज़ करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो जब जो डेंसिटी है 1.3 से कितनी आ जाएगी 1.2, तो इसको हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिचार्ज करने के लिए क्या करना होगा, बस यहाँ पर क्या लिखना, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की जगह क्या आ जाएगा, रिचार्जिंग आ जाएगा, और ये रिएक्शन रिवर्ट हो जाएंगे। रिवर्ट का मतलब, पहले डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड पे क्या बना था, पी बी प्लस एसओ फोर टू नेगेटिव पी बी एसओ फोर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब तो अब ये डिस्चार्ज हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, तो अब एनोड पे कौन प्रेजेंट है, पी बी एसओ फोर, तो अब इसको दोबारा से रिचार्ज होने के लिए रिएक्शन को रिवर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग की जगह पर क्या आ जाएगा, रिचार्जिंग, यहाँ पी बी एसओ फोर प्लस टू इलेक्ट्रॉन जो था, इसको मैं ऐसे कर दूंगा एरो लगा करके, क्या बना देगा ये पी बी प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो हमने क्या किया है, बस जो डिस्चार्जिंग वाले रिएक्शन थी उसको उल्टा कर दिया, जो फाइनल था वो इनिशियल में आ गया, क्योंकि अब रिएक्शन रिवर्ट होगी तो दोबारा से होगा। सेम केस यहाँ पे आ जाएगा पी बी एस ओ फोर प्लस टू एस टू ओ, यहाँ पर फिर से हम एरो लगा करके ये वाले जो बनेंगे पी बी ओ टू प्लस एस ओ फोर टू नेगेटिव प्लस फोर एच पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और फिर हम क्या लिख देंगे ओवरऑल, ओवरऑल में ये आगे आ जाएगी और ये पीछे चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या होगा हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। इसके बाद एक कई बार निकल कैडमियम सेल भी पूछ लिया जाता है, हालांकि पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन नाम से ही पता चला भाई निकल कैडमियम सेल, यानी एक चीज़ तो कन्फर्म है भाई इसमें कौन सी मेटल का इस्तेमाल होगा, निकल का और कैडमियम का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो जो कैडमियम है वो एनोड का काम करेगी, दो ओ एच नेगेटिव लेके क्या बना देगी सी डी ओ एच ट्वाइस, और दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ये कहाँ होगी एनोड पे। कैथोड पे कौन आएगा भाई, एन आई ओ टू लिख देता हूँ एट एनोड, ये निकल कैडमियम की है भाई एट एनोड, और यहाँ पे क्या है एट ए कैथोड, कैथोड पे कौन है भाई एन आई ओ टू, यहाँ पे क्या था पी बी ओ टू, इसकी जगह क्या आ गया है एन आई ओ टू, प्लस में वही दो वाटर मोलिक्यूल और दो इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करे थे वो इसको एक्सेप्ट करके क्या बना देगा एन आई ओ एच ट्वाइस, और प्लस में निकल जाएगा हमारा टू ओ एच नेगेटिव, दो एच नेगेटिव से दो एच नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन, और फिर हम ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। इसके बाद लास्ट जो सेल आता है भाई हमारा फ्यूल सेल, फ्यूल सेल इम्पोर्टेंट सेल है भाई एग्जाम के अंदर मोस्टली, जैसे आपके चार कोड आएंगे ना, हालांकि अब तो बोर्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन देने लगा भाई जो क्वेश्चन आगे पीछे आते हैं, नहीं तो हर साल क्या होता था एक कोड के अंदर मान लिया ड्राई सेल आ गया, एक में मरकरी सेल आ गया, एक में लेड स्टोरेज आ गया और एक में मरकरी जो है फ्यूल सेल आ गया। तो लास्ट जो हमारा फ्यूल सेल, नाम से ही पता चल रहा है, मैंने पहले भी बताया, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द टाइप ऑफ सेल इन विच फ्यूल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, फ्यूल एनर्जी जो है इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ये क्या होता है हमारा फ्यूल सेल। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके ज़रूरी, जैसे H2O2 फ्यूल सेल, हमारे सिलेबस में आपसे H2O2 फ्यूल सेल ही पूछा जाए, इसके अलावा एक दो और सेल है जैसे मीथेन फ्यूल सेल है, मीथेनॉल फ्यूल सेल है, ये भी आप नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार H2O2 के अलावा भी पूछ लिया जाता है किसी और फ्यूल सेल का नाम बताइए, या फिर
आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सा फ्यूल सेल और कौन सा नहीं। सबसे पहले जो फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया था वो अपोलो मून फ्लाइट के अंदर यूज़ किया गया था भाई, एक नंबर में क्वेश्चन, हालांकि बहुत रेयर चांसेस हैं लेकिन फिर भी हमने इसको लिख लिया भाई कि सबसे पहले जो फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया वो अपोलो मून फ्लाइट के अंदर किया गया था। इसके बाद आ जाती इसकी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की जब बात की जाएगी इसमें, इसमें पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम के बाद आपको कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हमारे दो रोड होती हैं, जो कंटेनर है वो सील्ड होता है टॉप से, ऐसे यहाँ पर जो है हमारा बाई प्रोडक्ट निकलता है इसमें वाटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, जो बाई प्रोडक्ट यहाँ निकलता है वाटर। इस सेल की सबसे खास बात ये है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता हो क्या निकलता है, वाटर निकलता है। क्या निकलता है बाई प्रोडक्ट, वाटर निकलता है, और ये वाटर इतना प्योर होता है कि इसका यूज़ जो है, जो रिसर्चर गए हैं या जो फ्लाइट के अंदर भी जो साइंटिस्ट गए हैं वो इस पानी का इस्तेमाल ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी एक खास बात और निकल के आती है, अब बाई प्रोडक्ट ही वाटर है, वाटर क्या नहीं करता, किसी प्रकार का पोल्यूशन काज नहीं करता, तो इस सेल की क्या हो जाती है एडवांटेजेस। अब जैसा कि मैंने बताया भाई हमारे सिलेबस में है H2O2 फ्यूल सेल, तो यहाँ से हमारी H2 गैस और यहाँ से हमारी O2 गैस, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखाई देंगी इसे अकेले डायग्राम के अंदर। ग्रेफाइट रोड सेंटर में रखी गई है, सॉलिड स्टेट में है, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ हो रहा है हमारा वो लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, गैस डाल रहे हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है होता है कंसनट्रेटेड KOH, याद रखेंगे इसको क्या होता है, कंसनट्रेटेड KOH। फिर ये पोरस कार्बन रोड एज एनोड का काम करती है, इसमें छेद होते हैं भाई, पोरस कार्बन रोड एज एनोड, और उस साइड वाली होती है हमारी कार्बोनेटेड कैथोड, क्या होती है कार्बोनेटेड कैथोड। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी इसका डायग्राम, डायग्राम अगर आपने एग्जाम में बना दिया, ये चीज़ें आपने दिखा दी, तो एग्जामिनर आपकी लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि भी हाँ बच्चे को अच्छे से फ्यूल सेल आता है। अगर फिर भी आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है तो मैं बोल देता हूँ भाई, दो चार लाइन है, इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट एंड कंसनट्रेटेड KOH इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट एंड प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच में इसको रखा गया है, H2 एंड O2 गैसेज आर यूज एज ए फ्यूल। अब बात करते हैं इनकी सेल रिएक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सेल रिएक्शन आपको हर एक सेल की याद होनी चाहिए। अब एनोड पे कौन था, एनोड की साइड से कौन जा रहा है, H2, तो H2 भाई OH नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये पोरस है छिद्रयुक्त है, तो यहाँ पे KOH मिलेगा इसको, तो क्या बनाएगा भाई यहाँ पर ये 4H2O बनाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक प्रकार से इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, यहाँ पे दो आ जाएगा और यहाँ पर चार आ जाएगा। फिर भाई कैथोड पे कौन जाएगा भाई, O2 फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, क्या इन दो इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनाएगा 4OHa नेगेटिव, अब 4OH से 4OH कैंसिल, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल थे यहाँ चार हैं, हमें याद रखना अपोजिट में जो सेम हो वो कैंसिल हो जाते हैं और बचते हुए हम लिख देते हैं, यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ चार हैं, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बच गए, दो, तो क्या रिएक्शन होगी 2H2+O2, क्या बना हमारा 2H2। देखिए यही मैंने लिखा था कि जो बाई प्रोडक्ट इसमें निकलता वो क्या होता है हमारा H2 होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ ली जाती है एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, और दूसरा पूछ ली जाती है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। अगर एडवांटेजेस की बात करें, सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है कि भी ये किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन काज नहीं करता, तो लिखना चाहो तो पहली एडवांटेज मैं बोल देता हूँ, दिस सेल डज नॉट काज एनी पोल्यूशन प्रॉब्लम बिकॉज द बाई प्रोडक्ट या बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सेल इज वाटर विच इज़ यूज फॉर इवन ड्रिंकिंग पर्पज। दूसरी जो सबसे खास बात है अभी इसकी, इस सेल की जो एफिशिएंसी है ना वो लगभग 70% है। अब आप बोलोगे सर ये एफिशिएंसी क्या है भाई, मतलब जितना हमने फ्यूल यूज़ किया उसमें से लगभग 70% फ्यूल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जबकि जो हमारे सुपीरियर थर्मल प्लांट हैं जैसे
पानीपत थर्मल प्लांट हो गया हमारा, उनकी एफिशिएंसी लगभग 40% है। तो आप देखोगे तो लगभग इसकी एफिशिएंसी किसके आसपास है, डबल के आसपास है। और तीसरी सबसे खास बात भी, ये दिस सेल गिव्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें लगातार जो है इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूस सप्लाई देता रहता है और डिस्टर्ब नहीं होता है। उसके बाद क्या जाती है भाई, डिसएडवांटेज। सबसे पहले डिसएडवांटेज तो इसकी यही है कि इस सेल के अंदर इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं वो महंगे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया या सिल्वर हो गया, तो ये क्या पड़ता है, सेल काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो पहली डिसएडवांटेज इसकी यही है, दिस सेल रिक्वायर कैटलिस्ट सच एज प्लेटिनम और सिल्वर, बट दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, दूसरी जो इसकी मेन प्रॉब्लम है भाई, इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं H2O2 का। आपको पता है भाई हाइड्रोजन क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, अगर उसको ऑक्सीजन थोड़ी सी भी मिल गई ना तो ब्लास्ट हो जाएगा, यानी जो स्पेस मिशन आप भेज रहे हो अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई ना तो सारा का सारा मिशन ख़त्म। उसके अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो भी गया हुआ है, रिसर्च गया हुआ है, कोई साइंटिस्ट गया हुआ है, सारे की लाइफ क्या है, ख़त्म। तो दिस फ्यूल सेल क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन गैसियस फ्यूल इज यूज्ड। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई, इसमें फ्यूल जो है एनर्जी गैस भी यूज़ हो रहा है, सॉलिड भी यूज़ हो रहा है और लिक्विड भी यूज़ हो रहा है, यानी तीन स्टेट होगी, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। ध्यान देंगे डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाना है, गैस को हमने डॉटेड से दिखाया है, इसको हमने डैश से दिखाया है और इसको हमने सॉलिड से दिखाया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक कॉन्टैक्ट बिटवीन थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ए मैटर, कि तीनों स्टेट के बीच में कॉन्टैक्ट बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और लास्ट फोर्थ आती है हमारी इसकी डिसएडवांटेज, कोरोजिवनेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि थोड़े से टाइम के बाद जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोरोजिव हो जाता है, यानी सेल को ख़त्म कर सकता है या वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको हमने बार बार जो है रिप्लेस करना पड़ता है, फिर से वही बात आ जाती है, तो ज़्यादा अमाउंट यूज़ होती है। तो ये था भाई हमारा आपका प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए आप अपनी स्टडी के साथ। थैंक यू।